अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और घर में अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपना उर्दू का लेसन पढ़ने जा रहे हैं। अब आप सब बच्चे अपनी उर्दू की अलिफ बे की बड़ी शकाल की बुक खोलें। इसका सफ़ा नंबर 56 और 57 ओपन करें, पेज नंबर 56 एंड 57। आज की तारीख है 18 दिसंबर, 18 दिसंबर 2020, और आज का दिन है जुम्मा। इसको हम इंग्लिश में फ्राइडे बोलते हैं। टुडे द डे इज़ फ्राइडे एंड द डेट इज़ 18 दिसंबर। आज का हमारा नया दोस्त है जिससे हमने आज दोस्ती करनी है, उसका नाम है गैन। और आपको पता है ये एन का भाई है जो हमने प्रीवियस अपना फ्रेंड बनाया था। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, ये एन है और ये इसका भाई गैन है। एन गैन, जब हम एन के ऊपर एक नुक्ता लगाएंगे तो ये गैन बन जाएगा। गैन ग, गैन ग, गैन ग गुब्बारा, गैन ग गलीचा, गैन ग गरारा, गैन ग गोताखोर, गैन ग गार, गैन ग गुलेल, गैन ग गुसलखाना। आपको पता है गुब्बारा किसको बोलते हैं? गुब्बारा बोलते हैं बैलून को। आप सब बच्चे बैलून्स लेते हैं ना, उसका उर्दू नेम है गुब्बारा और वो गैन का फ्रेंड है। गलीचा बोलते हैं कारपेट को, कालीन को। आप सबके घर में कालीन है ना, इस तरह कलरफुल सा कालीन होगा सबके पास, उसको उर्दू में गलीचा बोलते हैं। और ये बड़ा ही ट्रेडिशनल ड्रेस है गरारा, गर्ल्स भी पहनती हैं और फंक्शंस पे मामा भी कभी कभी पहन लेती हैं। गरारा, इस तरह ये यहाँ पे इसका ये फ्लेयर सा बना होता है, खुला सा, इसको गरारा बोलते हैं। गोताखोर, गोताखोर बोलते हैं स्विमर को, जो पानी में स्विमिंग करते हैं, जिनको स्विमिंग आती है उनको गोताखोर बोलते हैं। गार, गार होते हैं बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर ऐसे वो गार बने होते हैं जिनमें से गुजरने का रास्ता बना होता है। गार। गुलेल, गुलेल से हम किसी भी चीज़ का निशाना लगाते हैं, ठीक है। गुसलखाना, गुसलखाना किसको बोलते हैं? बाथरूम को। सबके घर में वॉशरूम है ना, तो उसको उर्दू में गुसल खाना बोलते हैं। चलिए अब मैं दोबारा से आपको इसकी रिवीजन करवा देती हूँ, मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे। गैन का गुब्बारा, गैन का गलीचा, गैन का गरारा, गैन का गोताखोर, गैन का गार, गैन का गुलेल, गैन का गुसल खाना। अब आप सब अपना कलर बॉक्स ओपन करें और इसमें से अपने फेवरेट कलर्स निकाल के इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के साथ आपने गुब्बारा में कलर करने हैं। इस तरह हम अप्स एंड डाउन डायरेक्शन में, ये देखें, ये मैंने पर्पल कलर यूज़ किया है, इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं? इस कलर को जामनी कलर, क्या बोलते हैं? जामनी, पर्पल, ठीक है। इसमें हमने ये कर दिया। फिर मैंने ऑरेंज कलर यूज़ किया, इसमें हमने इस पार्ट में ऑरेंज कर दिया। ऑरेंज कलर को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? नारंगी, नारंगी कलर,
ये मैंने इसमें यहाँ पे ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे हरा रंग यूज करूंगी, ग्रीन कलर। कितना अच्छा बैलून बन रहा है, गुब्बारा कितना अच्छा बन रहा है। इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं। आप भी इस तरह अपने कलर बॉक्स में से डिफरेंट कलर्स लेके इसको कलरफुल सा बना सकते हैं। ये देखें, ऊपर और नीचे की सिमट में हम कलर्स करेंगे अप्स एंड डाउन डायरेक्शन में। अब आप बड़े हो गए ना, अब आप कलर पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे। अब मैंने कौन सा कलर किया, अब मैंने नीला रंग लिया, ब्लू रंग, और वो मैंने ऐसे इसमें ब्लू कलर्स के साथ इस वाले पार्ट में अप्स एंड डाउन डायरेक्शन में कलर्स कर रही हूँ मैं। कलर्स करना अच्छा लगता है ना आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कलर्स करना, मज़ा आता है ना कलर्स करके। बस आपने ये ख्याल रखना है कि कलर आपके इस ऑब्जेक्ट से बाहर ना जाए, ठीक है। ये देखें, अब मैंने इसमें ब्लू कलर कर लिया। अब मैं इसमें येलो कलर यूज़ करूँगी, तो मैंने इस पार्ट में पीला रंग भरा। ठीक है, अब ये जो ऊपर इसका एक स्मॉल सा पार्ट रह गया, इसमें मैं लाल रंग भर रही हूँ, रेड कलर। ठीक है, ये देखिए एक प्यारा सा हमारा बैलून बन गया। अब मैंने इस कैन में इसी रेड कलर को यूज़ किया और इसके साथ इसमें वैन में ड्रेसिंग कर दी, ये इसकी कैप बना दी वैन का। चलें, अब आप वैन का गुब्बारा, वैन का गलीचा, वैन का गरारा, वैन का गोताखोर, गैन का गार, गैन का गुलेल, गैन का गुसलखाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको लेसन अच्छे से याद हो जाएगा और आप इसको बहुत अच्छा अच्छा याद करेंगे, पढ़ेंगे और इसमें अच्छे से रंग भरेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।